إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں लॉकडाउन में रमज़ान मुबारक हम कैसे गुजारें इस मज़मून के तहत कुछ बातें मैंने कल अर्ज़ की थी। आज इंशाअल्लाह उसकी तकमील का इरादा रखता हूँ क्योंकि इसके बाद वक्त हमारे पास बहुत कम है और रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है। तो इस हैसियत से रमज़ान मुबारक की जो सीरीज़ पहले ऐलान की जा चुकी है तारीख़ दावत व अज़ीमत और अहद बनी उमैया से खिलाफत उस्मानिया तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपको इंडियन टाइम के मुताबिक 10 से लेकर 11 तक ऑनलाइन नशर होगा। इंशाअल्लाह चांद रात से वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस हैसियत से मेरा इरादा यह है कि आज के इस एपिसोड में आपके सामने वो तमाम बातें ले आऊं जो रमज़ानुल मुबारक के अहम तरीन फ़राइज़ व वाजिबात में से हैं और उन लोगों के सवाल को भी ले आऊं जो दोस्तों ने किया है कि तरावीह के मसाइल, नवाफिल के मसाइल और बाज़ों ने तहारत और वज़ू के सिलसिले में भी पूछा है कि इसका भी बता दीजिए। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि पहले माह रमज़ान के फ़ज़ाइल आपके सामने बयान किए जा चुके हैं और रोज़े के फ़ज़ाइल भी आ चुके हैं, लेकिन रोज़े के अहकामात, फिर उसके लवाज़िमात शुरूत, फिर तरावीह और इसी तरह क़ियामुल लैल और इसी तरह नवाफिल की नमाज़ें, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उसके बाद अगर वक्त मिले तो तहारत और वज़ू के अहकामात भी बयान करने का। अल्लाह वक्त में बरकत दे, अगर नहीं तो इंशाअल्लाह फिर मैं इसके लिए एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। बात चल रही थी रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और फ़ज़ीलत के सिलसिले में और ये बातें गुज़िश्ता एपिसोड में बड़े ही तफसील के साथ आपके सामने आ गई। आज हम शुरू करते हैं रोज़ा, उसके अरकान, शरायत, नवाकिस, किससे टूट जाता है, अरकान क्या हैं, शरायत कौन कौन से हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात जहन में रखिए, नीयत करना। क्यों? नीयत के बग़ैर अल्लाह के यहाँ कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। जैसा कि अभी मैंने खुतबे में जो आयत तिलावत की सूरह बय्यिना की, फरमाया कि वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन,
इसके सिवा इन्हें कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस रखें। हाँ, हुनफा व युकीमुस्सलात व युतुज़्ज़कात व ज़ालिक दीनुल क़य्यिमा। इब्राहीम दीन हनीफ़ की दीन पर, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और जैसे वो हनीफ थे, यकसू थे, नीयत में कोई खोट नहीं था, उन्हीं के दीन पर नमाज को कायम रखें, ज़कात देते रहें, और इसी तरह इसी के अंदर क्या है, रोज़े भी आ जाते हैं हर चीज़ के लिए। जैसा कि बुखारी की पहली हदीस है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत की इस्लाह है तो छोटा अमल भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। अगर नीयत सही नहीं है, बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इस वास्ते नीयतों की इस्लाह होनी चाहिए। पहली चीज़ नीयत है कि मैं रोज़ा रखता हूँ, और इस सिलसिले में फ़र्ज नहीं है, फ़र्ज़ रोज़े के लिहाज से यानी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के लिहाज से ख़ास हुक्म हमें मिलता है। वो क्या है? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मल्लम युजमिउ सियाम क़ब्ल अल-फज्र फला सियाम लह। ये फरमाया कि जो फजर से पहले उस रोज़े की नीयत नहीं करता, उसका कोई रोज़ा नहीं। ये रिवायत इब्न उसैमीन शरह में, जो इन्नमल आमाल बिन्नियात की शरह इमाम नववी की किताब में करते हैं, उसके हवाला और वहाँ से क्या है ये हदीस ली गई है कि फरमाया कि जो नीयत नहीं करता फजर से पहले, यानी यूँ समझो कि सहरी करने के बाद, सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले, तो उसके लिए कोई रोज़ा नहीं। तो याद रखिए, नीयत के सिलसिले में ये अहम तरीन बात है जो आपको जहन में रखनी चाहिए। लेकिन नवाफिल के जो रोज़े हैं, उस सिलसिले में हमें बाज़ रिवायतें मिलती हैं कि वो ज़वाल तक भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आए, पूछा कि खाने के लिए कुछ है? उम्मातुल मोमिनीन की तरफ से जवाब आया कि कुछ नहीं है, सरवर कायनात इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन व आखिरीन के घर में कुछ नहीं है। फाका कहा कि आज मैं रोज़े से हूँ। इसी तरह कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया गया, उम्मातुल मोमिनीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हदीये में कुछ दूध आया है। ये फरमाया कि लाओ, सुबह से तो मेरी नीयत रोज़े की थी लेकिन अब दूध मिल गया है तो मैं इस वास्ते क्या है उसको पी लेता हूँ। तो ये नवाफिल के लिहाज से रोज़े की नीयत ज़वाल तक भी कर सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ के लिहाज से रोज़े की नीयत फजर से पहले कर लेना चाहिए कि मैं रोज़ा रखता हूँ। अब इस सिलसिले में यह मसला भी जहन में रख लीजिए, जो कि आम रिवाज पा गई है नीयत के, वो अल्फाज खासकर जो कार्ड वगैरह में छापते वक्त भी आपको मिल जाएगा, नवैतु अन असूम गदन फलां फलां, ये दरअसल क्या है, अल्फाज की नीयत कहीं से साबित नहीं है और ये अल्फाज भी गलत हैं। इसका माना यह होता है कि मैं नीयत करता हूँ कल के रोज़े की, जबकि रख रहे होते आज का रोज़ा। तो ये दरअसल हमारी कम इल्मी और जहालत की वजह से, अल्फाज की कोई नीयत नहीं, उठ के सहरी कर रहे हैं और दिल में पुख्ता इरादा कर रहे हैं, यही नीयत है, नीयत यही है, अल्फाज के साथ नहीं है। तो याद रखिए, ये नीयत के सिलसिले में ये बात याद रखें। और सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और दीगर ममनुआत रोज़ा, अल्लाह के रसूल और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ ममनू करार दिया है रोज़े में, उससे बचना ये रोज़े के अरकान में से हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतुल असवद मिनल फज्र थुम्म अतिम्मुस सियाम इलल लैल। खाते पीते रहो यहाँ तक के सुबह का सफ़ेद धागा सियाह धागे से जाहिर हो जाए, फिर रात तक अपने रोज़े को पूरा करो। तो मालूम हुआ आपको, जैसे ही सहर का वक्त ख़त्म हुआ, फजर शुरू हुई, वहाँ से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने, शहवात, बीवी से मिलने, ख़ास तौर पर इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना और अल्लाह के लिए रखना, इन चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करना, ये रोज़ा है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि इذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत है, जब इधर से रात आ जाए और इधर से दिन चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ेदार को इफ्तार कर लेना चाहिए। तो रोज़े का मतलब है इन दो बातों से, सहरी खाने के बाद फजर के शुरू होते ही इस बात का अज़म नियत करना कि अल्लाह के लिए खाना पीना शहवात जिमा वगैरह सब छोड़ता हूँ, कब तक के लिए, गुरूब आफ्ताब तक के लिए। तो ये रोज़ा हुआ, और इसमें क्या क्या लवाजिमात शुरूत होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आक़िल पर रोज़ा फ़र्ज किया है, शरीयत ने आक़िल पर, बच्चे पर नहीं। हाँ, फरमाया कि रुफ़िअ अल-क़लम अन सलास, तीन ऐसे अशख़ास हैं जिन पर कलम लिखा नहीं जाता, यानी जिन पर नामा आमाल नहीं चलता। कि और इसमें फरमाया वानिस सबी हत्ता यहतलिम, कि बच्चा जब तक के क्या है, जवान नहीं हो जाता, और इसी तरह दीवाना जब तक के होश ना आ जाता, और इसी तरह क्या है वो जो बेहोश है, जिसको अकल नहीं है, जो क्या है टेम्पररी क्या है, होश चला गया जब तक के उसको होश ना आ जाए। तो बुलूगत के इस बात के सिलसिले में ये बात भी जहन में रखिए कि दो तीन अलामात शरीयत ने बताई हैं। ये कि उसको एहतलाम हो या ज़ेरे नाफ बाल आ जाएं तो बालिग हो जाता है, औरत के लिए बच्ची के लिए हैज़ आ जाए तो बालिग हो जाती है, या 15 साल ऊपर हो जाए तो बालिग हो जाता है। इसके लिए कई अहादीस आए हैं, तो इस सिलसिले में बातें जहन में रखिए, बच्ची कितनी भी छोटी हो लेकिन बड़ी हो गई, हैज़ आ गया उसको, तो याद रखो वहाँ से उस पर शरीयत लागू हो गई, और हम बच्ची ही समझते रहें और उसके रोज़े नमाज जाते रहें, यह उमूमन हमारे घरों में होता है, लेकिन इससे एतराज़ करना चाहिए, माँ बाप को इस बारे में मुतनब्बे रहना चाहिए। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के सिलसिले में नवाखिज़ात क्या हैं इसको ज़िक्र करते हुए फरमाया कि सबसे अहम तरीन रोज़ा जो तोड़ देता है वो दरअसल क्या है, जिमा है, दिन के रोज़े की हालत में बीवी से मिलना। इसीलिए ख़ास तौर पर यह आयत नाजिल हुई सूरह बकरा की 180 पर 7, 186, फरमाया उहिल्ला लकुम लैलतस्सियाम रफ़थु इला निसाइकुम हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम फलआन बाशिरूहुन्न वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ। फरमाया कि रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, तो मालूम हुआ कि दिन में मिलना हराम हो गया, इस वास्ते रात का जिक्र तो आ रहा है। उहिल्ला लकुम लैलतस्सियाम रफ़थु इला निसाइकुम, बीवी से मिलना रमज़ान की रातों में तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, तो अपोजिट माना खुद ब खुद निकल गया कि दिन के अवकात में तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया, रोज़े की हालत में हराम कर दिया गया है। फरमाया कि वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम इनके लिबास हो, और तुम्हारी पोशीदा खियानतों का अल्लाह ताला को इल्म है, इसने तुम्हारी तौबा को कबूल करके तुम्हें दरगुजर फरमा दिया। असल मसला ये हुआ था कि शुरू शुरू में इसका वाज़े हुक्म नहीं था, और यहूदियों के यहाँ, नसरानियों के यहाँ रात में भी मिलना हराम था, तो बाद सहाबा उसी का देखा देखी समझते थे कि हमारी शरीयत में भी हराम है, और साथ में क्या है कभी कभी कर भी बैठते थे और सोचते थे कि कोई गलत तो नहीं हो गया, तो अल्लाह ने क्लियर कर दिया कि ऐसी बात नहीं है,
कि तुमने जो किया वो हराम ही नहीं था तुम पर। तो अल्लाह तबारक व तआला यही इसी की तरफ इशारा कर रहा है। फिर अल्लाह ताला कहता है फल आना बाशरो हुन्न वबतगो मा कतबल्लाहु लकुम, अब तुम्हें इनसे मुबाशरत की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, हाँ रात में रोज़े के अलावा के वक्त में आप दरअसल मिल सकते हैं। और इसी तरह फरमाया कि तुम खाते पीते रहो यहाँ तक के सफ़ेद धागा सियाह धागे से ज़ाहिर ना हो जाए, यानी सुबह सादिक ना हो जाए। फिर रात तक यानी पूरा दिन, रात का मतलब यह है कि जैसे ही दिन ख़त्म हुआ इस्लामी शरीयत में रात शुरू हो गई, सूरज ग़ुरूब हुआ वहीं से रात शुरू हो गई। तो फरमाया रात तक पूरा करो और औरतों से इस वक्त भी मुबाशरत ना करो, ना मिलो जबकि तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ होते हो, एतिकाफ़ में भी हराम है। ये अल्लाह ताला के हुदूद हैं, फरमाया कि ये अल्लाह की बाउंड्रीज़ हैं, ये अल्लाह के हुदूद हैं, तुम इनके करीब ना जाओ। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम्हें तकवा पहुँचे, तुम तकवा इख्तियार करो। तो फरमाया गया कि ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आई है कि रोज़े के लिए शर्त ही सबसे अहम तरीन ये है कि बीवी से ना मिली जाए, बीवी से जब मुलाकात जिमा ना हो। और इसी तरह इमाम इब्न तैमिया रहिमुल्लाह कहते हैं कि जब मुबाशरत की इजाज़त दी गई तो इसका मतलब यही हुआ कि रोज़े में मुबाशरत हराम है, जैसा कि मैंने अभी कहा। अच्छा, इस सिलसिले में एक दिलचस्प रिवायत सही बुखारी के अंदर आती है जो इस बात पर हतमी फैसला करती है। वो रिवायत कुछ यूँ है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि फरमाया कि بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما لك، کیا ہوا تمہیں، کیوں ایسا کہہ رہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ وقعت على امرتی وانا صائم، میں حالت روزہ میں حالت صیام میں میں بیوی سے مل بیٹھا، یعنی جمع کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد رقبۃ تعتقها، کہ کوئی غلام ہے جس کو تم آزاد کرو؟ کہا کہ لا، اتنی استطاعت تو ہے نہیں کہ میرے پاس کوئی غلام ہو۔ فرمایا کہ هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنے کی قدرت ہے؟ رمضان المبارک میں فرض روزے رکھنے میں آن جناب نے یہ حرکت کی ہے، تو اب اس انداز سے آپ سوچئے کہ دو مہینے مسلسل غیر رمضان میں، تو کہا کہ اس کی تو ہمت نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينَ، 60 لوگوں کو کھانا کھلانا، مسکین لوگوں کو، اس کی استطاعت ہے؟ قال لا، کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض روایتوں میں تو یہ آیا ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، مدینے کا اگر سب سے زیادہ غریب کوئی انسان ہے تو وہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ تو فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، یعنی کچھ دیر گزری ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول ابھی انہیں کیا ہے حتمی جواب نہیں دیے۔ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکری بھر کے کھجور آیا اسی اثنا کے اندر، ہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این السائل، کہاں ہے وہ آدمی جو یہ سوال لے کے آیا تھا کہ میں روزے کی حالت میں بیوی سے مل بیٹھا؟ تو سائل نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خذھا فتصدق بہ، لو پکڑو اس کو کم از کم صدقہ کر دو۔ تو اب اس نے کہا کہ اعلی افقر منی یا رسول اللہ، کہ فرمایا کہ میرے سے بھی زیادہ جو فقیر ہے محتاج ہے میں اسی پہ صدقہ کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ فواللہ ما بین ابتلیہا یرید الحرتین اہل بیت،
فأفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شخص کو دیے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں اللہ کی قسم ان دونوں پتریلے میدانوں میں یعنی مدینے کے جو پہاڑ ہیں درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھرانے سے زیادہ محتاج نہیں جو میں بھی کہہ رہا تھا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے یعنی اس شخص کی حالت پر اتنی ہنسی آئی پہلے تو اس کو یہ غلام آزاد کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں فرمایا کہ 60 روزے رکھو وہ بھی نہیں پھر فرمایا کہ کم از کم صدقہ کر دو مسکین کو کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ وہ بھی نہیں تو اللہ کے رسول کے پاس جو ہدیہ آیا تھا اس کو کہہ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو یہ بانٹ دو تو وہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو لے جا کے اپنے ہی گھر والوں کو کیا ہے کھلا دو تو اس حیثیت سے معلوم ہو گیا کہ جمع کرنا ایک تو حرام ہے اور اگر جمع کوئی کر بیٹھا تو اس کا کفارہ بھی یہ ہے جو کہ کیا یہ غلام کو آزاد کرنا وہ تو ابھی اس زمانے میں نہیں ہے 60 روزے مسلسل بغیر کوئی نہ بیچ میں کوئی نہیں چھوٹنا چاہیے یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور اسی طرح سنا ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہ انت و اہل بیتک وصم یوما واستغفر اللہ کہ فرمایا کہ جاؤ تم اور تمہارے گھر والے کھا لو اس دن کی قضا کرو اللہ سے استغفار کرو تو معلوم ہو گیا کہ قضا کرو اور کیا ہے کفارہ دینا ہے تو کفارہ بھی دو اب اس معاملے میں اختلاف ہے لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ آپ اس پہ کفارہ بھی دیں گے قضا بھی دیں گے تو اس حیثیت سے ایک بات واضح ہو گئی کہ روزہ توڑ دیتا ہے بیوی سے جمع کرنے پر اور اسی طرح کسی بھی اپنے اختیار سے منی کا اخراج اگر وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے تو یاد رکھو اس حیثیت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو اگر خود بخود کا معاملہ ہو قدرتی ہو احتلام ہو اس سے نہیں ہوتا لیکن کسی نے کیا ہے عمدن جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے مجزنی کی ہو یا کوئی اور کام شہوت کا کیا ہو جس سے منی نکل گئی تو روزہ توڑ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ عشر امثالہا الی 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی کہ بنی آدم کا ہر عمل اللہ بڑھاتا ہے بڑا چڑھا کر دیتا ہے 10 گنا یہاں تک کہ 700 گنا لیکن ایک روزہ ہے جس کا بدلہ اللہ خود دے گا اس واسطے کہ وہ شہوت کو چھوڑتا ہے کھانے کو چھوڑتا ہے تو شہوت کسی بھی حیثیت سے اگر وہ اختیار کرے اختیاری ہو تو یاد رکھو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں ایک بات ایک مسئلہ اور ہے اس میں وہ یہ اگر بیوی ہے بیوی سے بوسہ لینا کس کرنا کیسا ہے وہ جائز ہے تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت آئی ہے وہ اما عائشہ روایت بیان کر رہی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لاربہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت روزہ میں بوسہ دیتے تھے اور بغلبیر بھی ہوتے تھے ہاں ملتے بھی تھے بیوی سے لیکن انہیں اپنی شہوت پر پورا کنٹرول تھا تو یاد رکھیے یہ چیز حد ہے تنبیہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن اس مرد پر جو کنٹرول رکھتا ہو اس کی وجہ سے جمع تک پہنچنے کا کیا خدشہ ہے تو اس کے لیے نہیں ہاں بلا کسی ارادہ شہوت کے آپ نے کیا ہے بوسہ لیا ہے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جس سے آپ کو شہوت نہ آتی ہو بیوی سے بوسہ لینا رمضان کے مہینے میں خاص کر کیا ہے حالت روزہ میں جائز ہے اس حد تک جس حد تک کنٹرول ہے اور اسی طرح کیا ہے کھانا پینا جیسا کہ خاص طور پر اسی کے لیے پہلے سے آیتیں جو اتری ہیں اس میں واضح ہو گیا
कि यत्रुकु तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, मेरे लिए छोड़ता है तो मैं ही उसे क्या है उसका बदला दूंगा। अच्छा, एक बात यह है कि नाक के जरिए अगर कोई दवा दाखिल करना है तो क्या ये नमाज रोज़े में जायज़ है? तो याद रखिए, नाक के ज़रिए खाने पीने की कोई चीज़ नहीं, कोई दवा नहीं, या कोई भी चीज़ अगर वो नाक के ज़रिए जा रही है तो उलमा और अतिबा का यही है कि ये दरअसल पेट तक का रास्ता है। इस वास्ते नाक के ज़रिए कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, अगर लेंगे तो वो भी दरअसल खाने पीने के कायम मुकाम होगा, रोज़ा टूट जाएगा। और इसके लिए ख़ासकर वो हदीस दलील लाए हैं कि उलमा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकीत बिन सबरा से कि तुम वज़ू करो, कैसे करो, अज़बिगिल वज़ू व खल्लिल बैनल असाबिह व बालिग फिल इस्तिनशाफ इल्ला अन तकून सायब। देखो, अच्छी तरह वज़ू करो और अपने अंगलियों का खिलाल करो और नाक में पानी लेने में मुबालगा करो, ज्यादा लो, अच्छी तरह क्या है लेके नाक साफ करो। इल्ला अंतको नसाइमन, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब तुम रोजे से हो। ये मुसद अहमद की रिवायत है। तो इससे मालूम हो गया कि नाक के जरिए भी पानी गया तो रोजा टूट जाएगा। इसी वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें क्या करो, अगर रोजेदार हो तो मत करो। तो इससे मालूम हो गया कि नाक के जरिए कोई चीज है जो आप डालना चाहते हैं, दवा वगैरह भी है, तो वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे रोजा टूट जाएगा। और इसी तरह इस ज़िमन में दो दूसरी चीज़ें जो आती हैं वो ये कि खून का चढ़ाना, रोज़े की हालत में खून का चढ़ाना। अगर ये खून का चढ़ाना भी असल में क्या है, जिस्म के अंदर खून ही है जो ताकत देता है, ये ताकत के लिए है। और इसके ज़रिए से क्या है, इंसान रोज़े की तकलीफ़ को भूलना चाहता है तो याद रखिए ये भी दरअसल वही हो, उससे रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह क्या है, ताकत का इंजेक्शन वगैरह लगाना, तो याद रखो उससे भी क्या है, रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, अगर इंजेक्शन किसी बीमारी का हो, खा वो रग में लगाई जाए या गोश में लगाया जाए, जो कुछ भी है, लेकिन वो दरअसल क्या है, ताकत के लिए नहीं है, तो वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी तरह एक बात यह भी है कि फचना लगाना, जिसको क्या कहते हैं, हिजामा कहते हैं हम, कपिंग जो कहते हैं, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा किया, और ख़ास तौर पर बताया जा रहा है कि रमज़ान में भी किया। ख़ुद रिवायत में है कि बकी में एक शख्स से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा करवाया, ये 18 रमज़ान की बात है, और मेरा हाथ पकड़े हुए थे, आपने फरमाया नहीं, ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कही जो शद्दाद बिन औस हैं, उनसे हदीस है कि वो फरमाते हैं कि अता रजुल मिन बकी बिल बकी व हुवा यहतजिम व हुवा आखिज़ बियदिहि लिथमान अशरा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल बकी में एक शख्स के पास आए, वो हिजामा कर रहा था, ये 18 रमज़ान की बात है, तो आपने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़े हुए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शद्दाद का, तो फरमाया कि देखो हिजामा लगाने वाला और जो लगवा रहा है दोनों का रोज़ा टूट गया। यही बात सही भी है। और इस वक्त ख़ासकर लगवाने वाले पर क्यों रोज़ा टूटने का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस ज़माने में कपिंग नहीं थी, जैसे क्या है आजकल कपिंग से हिजामा करते हैं, उस ज़माने में सींग वगैरह क्या है रख के उससे खुद मुंह से चूसा जाता था, तो उसके पास भी उसके मुंह में भी खून जाने का ख़तरा होता है। तो आजकल तो क्या है वो रिवाज नहीं है, तो इस वास्ते अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हिजामा करने वाला करवाने वाला दोनों का रोज़ा टूट गया। और यह हदीस सुनन नसई की है और अबू दाऊद के अंदर आई है, अल्बानी इब्ने माजा के अंदर आई है, इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह ने सही कहा है, और अबू दाऊद में भी है, और इसी तरह क्या है सुनन इब्ने माजा में भी है। और इसी तरह एक और चीज़ जो रोज़ा तोड़ देती है वो है कय। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ज़रअहुल क़यउ फ़ला क़ज़ा अलैह व मन इस्तक़ा फ़अलैहिल क़ज़ा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गैर इरादी तौर पर उसे कय आ जाता है तो उसके लिए तो रोज़ा
कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई उसका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन जो कसदन अंगली डालकर या कसदन क्या है कोई और आले से खै करता है बिल इरादा, तो उसका रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में कि औरत के लिए ख़ास मसाइल जो हैं उनमें रोज़ा जो टूटने के हैं वो जो मसाइल आए हैं उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया है वो अम्मा आयशा रिवायत करती हैं कि कुन्ना नहीदु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम हायज़ा होती थी तो फन नुमर बिकदा इस्सौम वला नुमर बिकदा इस्सलाह, कि तो हमें हुक्म दिया जाता था कि हम रोज़े की क़ज़ा करें और नमाज की क़ज़ा ना करें। तो ख़ास तौर पर बात सामने आ गई निफास से, हैज से रोज़ा टूट जाता है। और रोज़े की हालत में अगर निफास हैज जारी हो जाए कोई भी वक्त हो रोज़े का, वो रोज़ा शुमार नहीं होगा, टूट जाएगा। कि इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात वो आई है जो सही मुस्लिम के अंदर हज़रत मुआज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत कर रही हैं कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा उन्होंने मा बालुल हाइद तक़्ज़ी सौम वला तक़्ज़ी अस्सलाह, क्या मामला है कि हाइज़ा नमाज को तो क्या है ख़ज़ा नहीं करती लेकिन रोज़े की ख़ज़ा देती है। तो अम्मा आयशा को इतना गुस्सा आया, जलाल आया कि फरमाया कि हरूरियतुन अंती, क्या तुम हरूरिया से हो गई हो। हरूरिया उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने सबसे पहले तकदीर का इनकार किया, सबसे पहला फ़िरका बनाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं पूछ रही हूँ ऐसे ही। तो अम्मा आयशा ने बताया कि बात सिर्फ इतनी है कि हम ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नमाज़ों की क़ज़ा का नहीं रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म होता था, हमने उसकी क़ज़ा दे दी। अब इस पर रिसर्च करना ये क्यों नहीं, ये क्यों है, ये अफजल है नमाज अफजल है, रोज़ा तो क्या है उसके बाद आता है लेकिन रोज़े की तो क़ज़ा है लेकिन नमाज की क़ज़ा नहीं है, ये सब सोच। बस जहाँ हुक्म आ गया वहाँ अपनी सोच को स्टॉप लगाओ और जो काम है वो कर गुज़रो, बस मसला ख़त्म। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाना पीना है इस मामले में ख़ास तौर पर यह बताया कि भूल कर हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ करने वाला है। कि हदीस में आया है कि इज़ा नसी फअकल व शरब फलयुतिम सौमह, अगर वह भूल के खा पी ले तो रोज़ा नहीं टूटता बल्कि वो अपना रोज़ा पूरा करे। फइन्नमा अतअमहुल्लाहु वसक्काहु, ये अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया है। इस मामले में सही बुखारी की रिवायत साफ तौर पर है कि भूल कर कर ले, ये जितने भी शरायत हैं इसमें भूल के अगर हो जाए तो इसी वास्ते बाज़ उलमा का यहाँ तक भी है इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह उनका भी यही कौल है कि अगर भूल कर किसी आदमी ने जिमा भी कर लिया तो रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि भूल है, भूल को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। भूल के खा पी लिया तो भी अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है भूल कर अगर है। और उसी तरह जबर पर है कि जबरी तौर पर कर रहा है दिल से तो नहीं है तो इस मामले में भी अल्लाह तबारक व ताला माफ़ करने वाला है। जैसा कि हदीस में है कि इन्नल्लाह कद तजावज़ अन उम्मती अल-खता वन्निसियान वमस्तकरहु अलैह, ये रिवायत सुनन इब्ने माजा की है, अल्लामा अल-अल्बानी ने सही कहा है कि फरमाया कि मेरी उम्मत की भूल चूक और ग़लती और जिस पर इन्हें मजबूर कर दिया गया हो उसको अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया। तो ये शरायत जो ऊपर आए खाना नहीं है पीना नहीं है जिमा नहीं करना है, इसमें दो बातें याद रखी है, अगर कोई बंदा ये काम करता है लेकिन भूल गया तो उसके रोज़े पे कोई नुकसान नहीं, अगर कोई बंदा ये काम करता है मजबूर कर दिया गया है वो मजबूर है उस मामले में उस पर भी उसे क्या है रोज़ा उसका नहीं टूटता है। अब दरअसल चंद आदाब रोज़े के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब या यूं समझो कि मुस्तहबात क्या हैं, कि फरमाया सहरी करो तसहरु फइन्न फिस्सुहूरि बरका, ये रिवायत बुखारी की है, फरमाया कि लोगों देखो सहरी किया करो इसमें बड़ी बरकत है। एक दूसरी रिवायत आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلۃ السحر, ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق کرنے والی چیز روزے میں سحر ہے. وہ سحر نہیں کھاتے, تم سحری کھاؤ. تو سحری کھانا, سحری کا کھانا سنت ہے اور اس کو ضرور اپنانا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سحری کھائے بغیر آنکھ بند ہو گئی, وہ نماز کے وقت آنکھ کھلی, تو یاد رکھو اس کا روزہ ٹھیک ہے. سحری واجب نہیں ہے, مستحب ہے, سنت ہے, کھانا ہے, لیکن کسی کو چھوٹ جائے تو بلا سحری کا روزہ رکھ سکتا ہے, روزہ بالکل صحیح ہے اس کا. اور اسی طرح سحری کے کھانے کا کیا آئٹم ہو, اس معاملے میں حدیث آئی ہے سنن ابو داؤد کی, نعم سحور المؤمن التمر, بہترین سحری مومنین کی وہ کیا ہے, کھجور ہیں بہترین. کیونکہ عموماً ہمارا رواج نہیں ہے کھجور کھانے کا, ایک دو تین کھجور افطاری میں تو کھجور کھانے کا رواج ہے لیکن سحری میں نہیں ہے. ہم کو اپنانا چاہیے, سحری میں بھی چند کھجوریں ہم رکھیں کھانے کے ساتھ, وہ بھی کھائیں, اس کی ایک طاقت ہے. اور اسی طرح سحری میں تاخیر افضل ہے, یعنی آخری وقت میں کھایا کریں, محتاط یا احتیاط کے نام پر یا فلاں کے نام پر آپ 3 گھنٹے سحری کر لیں, 2 بجے سحری کر لیں اور یہ کہیں کہ ہم احتیاط کر رہے ہیں. اس سے افضل ترین چیز یہ ہے کہ سحری بالکل آخری میں کریں, جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کھائی اور سحری سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر پڑی. قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے میں نے پوچھا دونوں یعنی سحری کھا کر نماز فجر پڑھنے کے درمیان کتنا وقفہ تھا, تو فرمایا جتنی دیر میں آدمی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے. 50 آیتیں, 50 آیتیں کتنی دیر میں پڑھے گا, 10 منٹ 15 منٹ, بس اتنا ہی وقفہ تھا کہ آخری وقت میں ہم نے سحری کی اور اس کے بعد کیا ہے, یہ بخاری کی روایت ہے, اس کے بعد جا کے ہم نے نماز پڑھ لی. تو احتیاط کے نام پر سحری جلدی کر لینا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ آخری وقت میں سحری کرنا ہے. جو آخری وقت آپ کو بتایا جائے گا وہ آخری وقت میں سحری کرنا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری میں جلدی کرنے کا حکم دیا. ہم الٹا کرتے ہیں, سحری جلدی کرتے ہیں افطاری میں دیر کرتے ہیں, جبکہ سحری دیر کرنا ہے, آخری وقت تک کرنا ہے اور اس کے بعد افطاری میں جلدی کر لینا ہے. وہاں احتیاط کے نام پر اذان کا وقت ہو گیا لیکن 10 منٹ 5 منٹ کہیں 2 منٹ کہیں 1 منٹ, کوئی 1 منٹ بھی دینے کی ضرورت نہیں احتیاط کے نام. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, کہ فرمایا کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے ہمیشہ جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کر لیں, افطار میں جلدی کرتے رہیں تو بھلائی میں رہیں گے. اور اسی طرح یہ حدیث صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث آئی ہے, لا یزال الذین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان الیہود والنصارى یؤخرون. یہ حدیث بھی کیا ہے, سنن ابو داؤد کی ہے, شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. فرمایا کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا, کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں. یا رب آج دیکھیے افطاری میں ہم جلدی نہیں کرتے ہیں, 10 منٹ 5 منٹ, آپ کو کیا ہے سنسیٹ معلوم ہے, آپ پیپر سے لے کے دیکھ لے سکتے ہیں, آج تو ایسے ایسے ایپ ہیں اور اس ایپ کے ذریعے سے آپ کو کیا ہے رمضان کی ٹائمنگ معلوم ہو جا سکتی ہے اور پورے نمازوں کی ٹائمنگ, سحری کا انتہائی ٹائمنگ, افطاری کا شروعات کا ٹائمنگ سب معلوم ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم احتیاط کے نام پر 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کیا ہیں لیٹ کرتے ہیں. اس کے لیے کسی کے طرف سے کیا ہے ٹائمنگ کا شائع کر کے آپ ان کو دیکھ کر ہی کرنا, وہ بھی ضروری نہیں ہے, آپ دراصل خود تلاش کر لے سکتے ہیں. سحری کا انتہائی وقت آپ دیکھ لیجئے, کسی بھی ایپ میں دیکھ لیجیے, آپ کو بتا دے گا. جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوا سحری کا وقت ختم ہو گیا, کیونکہ اذان کا اعتبار یہاں پر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اذان اپنے اپنے جگہ پر الگ الگ وقت میں دیتے ہیں. تو اس واسطے میں اذان کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. ہاں جن مساجد میں اذان اسی وقت دیتے ہیں جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا, تو اذان سنتے ہی آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن عموماً وہ ماحول نہیں ہے کہ ہر جگہ اذان ایک ہی وقت میں ہوتی ہو. تو اس حیثیت سے جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع ہوا, سحری کا وقت ختم ہو گیا, اور جیسے ہی نماز مغرب کا وقت شروع ہوا, تو یاد رکھیے افطاری کا وقت ختم ہو گیا, فوری طور پر آپ کیا ہیں افطاری کر لینا چاہیے. افطاری میں
सबसे बेहतर चीज़ ताज़ा खजूरें, या नहीं तो चौहारे खुश्क खजूरें, या नहीं तो पानी से कर लेना है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत आई है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु अला रुतबातिन क़ब्ल अन युसल्ली फ़इन लम तकुन रुतबात फ़अला तमरातिन फ़इन लम तकुन हसा हसवातिन मिन मा, कि फरमाया कि मगरिब की नमाज से पहले चंद ताज़ा खजूरों से अल्लाह के रसूल इफ्तार किया करते थे। अगर ताज़ा खजूरें ना हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क खजूरों को उससे इफ्तार करते, वो भी ना मिले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से इफ्तार कर लेते थे। और इफ्तार के आखिरी में शुरू में जो दुआ है अल्लाहुम्मा लक असुंतु वो भी का अमंतु वालेक, ये कहीं से साबित नहीं। बेहतर यही है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें, दुआ करें उस वक्त बैठ के, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें। उसके बाद दुआ आई है जो कि सही हदीस से साबित है, वो दुआ है ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गई और अजर भी इंशाअल्लाह साबित हो जाएगा। जैसे अल्लाह ताला ने इफ्तार करा दिया, आप क्या इसका अजर भी महफूज हो गया, तो इसी तरह क्या है इफ्तार करवा के भी अजर लिया जा सकता है, जैसा कि मैंने कल हदीस बयान कर दी। और इसी तरह क्या है रोज़े में मिसवाक करना, ये एक मुस्तहब चीज़ है, मिसवाक से रोज़ा नहीं टूटता। और इसी पर कियास करते हुए ब्रश और टूथ ब्रश का इस्तेमाल करना, ये भी क्या है कोई मसला नहीं है, इससे रोज़े में खलल नहीं होता। वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि बाज़ अहादीस में वो बातें आई हैं जो खाने को चखने के सिलसिले में या टेस्ट करने के सिलसिले में या चक्कर थूक देने के सिलसिले में इजाज़त मिली है, तो पेस भी अगर लगा भी तो ज़ुबान पे लगेगा, निगलेगा नहीं कोई बंदा। तो याद रखो उस हैसियत से पेस लगा के ब्रश कर लेना भी वाजे हो गया, इससे रोज़ा खलल नहीं होता, टूटता नहीं। लेकिन जिस्मानी और रूहानी एतबार से जिन चीज़ों की ममानियत है, जो हमेशा हराम है लेकिन रोज़े में और ज़्यादा सख्ती के साथ हराम है, वो तो मैंने जिस्मानी कैफियतों के सिलसिले में, खाने पीने के सिलसिले में बयान किया। रूहानियत के एतबार से इंसान क्या करे, झूठ फहश गोई गाली गलोच बेकार काम ये सब छोड़ दे। मल्लम यदा कौल ज़ूर वलअमल बिह फलैस लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा ताआमन व शराबा, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी की रिवायत कल भी मैंने बयान किया था, जो झूठ और उस पर अमल करना और जहालत ना छोड़े, अल्लाह ताला को इसका खाना पीना छोड़ने से कोई हाजत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सवाब नहीं मिलता उसे। और इसी तरह गीबत ना करे, हमेशा हराम है लेकिन रोज़े में उससे ज़्यादा हराम है। और गीबत वो है जो पीठ पीछे किया जाता है जबकि इंसान के अंदर हो, इसीलिए अल्लाह के रसूल से पूछा गया अतद्रून अमल गीबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम जानते हो, लोगों ने कहा अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं, कि फरमाया कि ज़िक्रु का अखा का बीमा यकरह, ऐसा जिक्र तेरे भाई का कर पीठ पीछे जो उसके अंदर है, हाँ पीठ पीछे जिक्र करे जिससे वो बुरा महसूस करे, सुने तो वो नहीं है, उसके पीठ के पीछे जिक्र करे जो वो सुनेगा तो उसे बुरा महसूस होगा। क़ील पूछा गया अफरअयत इन काना फी अखी मा अकूल, जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ वो आयब उसके अंदर हो तो, फरमाया कि इन काना फी ही मा तकूल फ़कत, उसी वक्त जब वो उसके अंदर मौजूद है तभी इख्तबता वो गीबत है, वइल्लम यकुन फीही फ़कत बहत्ता, अगर वो नहीं है तो गीबत से बढ़कर बहतान बन जाता है। तो बुखारी की रिवायत में है जो है, बाज़ लोग बोलते हैं कि भाई मैं क्या बोला भाई, जो है उसके पास वही ऐब तो जिक्र किया, अरे वही ऐब जिक्र करना वही गीबत है, उसके पीठ पीछे जिक्र करना वो ऐब उसमें है, हाँ वही गीबत है। अगर वो नहीं है वो बयान कर रहे हो तो गीबत से बढ़कर दरअसल क्या है, वो एक दर्जा और आगे बहतान बन जाता है। इसी तरह चुगलखोरी, यहाँ की बात वहाँ लगाना, जहन्नमियों की सिफात में से आया है सूरह कलम के, वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइन लिलखैर मुअ्तदिन असीम, सब जहन्नमियों की सिफात है। ऐसे शख्स का आप कहाना मानिए कौन, जो ज्यादा कस्में खाने वाला, बेविकार कमीना ऐब गो चुगलखोर भलाई से रोकने वाला, हद से बड़ा हुआ, ये सब चीज़ें जहन्नमियों की सिफात में। इसी तरह हदीस में आया कि ला यदखुलुल जन्नत नम्माम,
चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और एक हदीस में आया है कि ला यदखुलुल जन्नत कत्ताब, हाँ चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरह मामलात में दयानतदारी अख्तियार करो, रोज़े में भी गैर रोज़े में भी, लेकिन रोज़े में और ज़्यादा शदीद गुना बन जाए। मन गश फलैसा मिन्नी, फरमाया कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। एक रिवायत में है कि मन गश फलैसा मिन्ना, जो क्या है धोखा दिया वो हम में से नहीं। इसी तरह गाना बजाना, म्यूजिक, सारंगी, फिल्में, सीरीज, उरिया और नीम उरिया, नंगी फिल्में, ये सब देखना, रोज़ा रखे, याद रखो ये सब हराम है आम हालात में, रोज़े में तो और कड़ा हराम है। इसलिए सूरह लुक़मान में फरमाया कि वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म वयत्तखिज़हा हुज़्वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो लघु बातें खरीदते हैं ताकि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह के राह से बहकाएं और इसे हंसी मजाक बनाएं, यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत करीमा के सिलसिले में पूछा गया तो फरमाया वल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु वल्गिना, अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। यहाँ पर जो लहवल हदीस कहा गया है, जो कि क्या है, ये लोग खरीदते हैं लघु बातों को, तो वो गाना है, वो गाना है। ऐसे ही हसन बसरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं नज़लत हाज़िहिल आयतु फिल गिना वल मज़ामीर, ये दरअसल क्या है, आयत उतरी ही गिना के सिलसिले में, यानी म्यूजिक और गानों के सिलसिले में ही उतरी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोका है। और इसी तरह फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लयकूनन मिन उम्मती अक़वाम यस्तहिल्लून अल-हिर वल-हरीर वल-खम्र वल-मआज़िफ, हाँ ये ज़रूर ऐसा होगा, मेरी उम्मत में लोग आएंगे, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो क्या हैं, शर्मगाहों को यानी जिना को हलाल कर लेंगे, रेशम शराब और गाने बजाने और म्यूज़िक को हलाल कर लेंगे। यार अब आज तफसीर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे पास आ गए हैं और हम रोज़े की हालत में भी करते नहीं सकते, हत्ता कि इतने आम हो चुके हैं कि इसको कोई गलत कहता है तो उसको हम परेशानी से देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, तो आम बातें हैं। इसी तरह नशा आवर खबीस अशिया का इस्तेमाल, शराब, निस्वार, गुटखा, हुक्का, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हशीश, भंग और इसी तरह चरस, हीरोइन, अफ्यूम, ये सब के सब क्या है, हमेशा भी हराम है। और इसी तरह क्या है, रमज़ान में उससे ज़्यादा हराम है, रोज़े में उससे ज़्यादा हराम है, हाँ याद रख लीजिए। अच्छा अब वो बातें चंद जिक्र कर देता हूँ जिससे रोज़े में फ़र्क नहीं पड़ता, तो आम तौर पर गलतुल आम है कि रोज़े से फ़र्क पड़ता है। एक बात वो है कि आप उठे और ऐसी हालत में उठे कि आप पर गुस्ल फ़र्ज है, जुनबी हो गए या जिमा किया जो भी है, और आपने सहरी कर ली और रोज़े का वक्त शुरू हो गया, नहाए नहीं, वक्त शुरू होने के बाद नहाए, तो याद रखिए उमूम हमारे गलतुल आम जो चीज़ें हैं उनमें से एक ये है कि हम समझते हैं इससे रोज़ा ख़राब हो गया, खराब नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत आई है कि कहते हैं माई उम्म सलमा वो उम्म आयशा, वो आयशा रज़ियल्लाहु उम्म सलमा और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अशहदु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कान लयुस्बिहु जुनुबन मिन जिमाई गैर इहतिलामिन थुम्मा यसूमु, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हालत में कि मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत के बारे में कि फरमाया कि आप इहतिलाम से नहीं बल्कि जिमा के सबब जनाबत की हालत में सुबह करते और रोज़ा रखते, यानी सहरी कर लिया और रोज़े का टाइम शुरू हो गया, हालत जनाबत में अभी गुस्ल नहीं किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रहते, इसके बाद गुस्ल करके नमाज के लिए जाते, तो इस हैसियत से ये चीज़ जायज़ है, कोई मसला नहीं। इसी तरह क्या है, हज़रत आयशा से मरवी है कि अन्न रजुलन जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह तुद्रिकुनी सलात व अना जुनुबुन फअसूम, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना तुद्रिकुनी सलात व अना जुनुबुन फअसूम, فقال لست مثلنا يا رسول الله فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقى, یہ فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں حالت جنابت میں ہوتا ہوں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے,
क्या इस हालत में मैं रोज़ा रख सकता हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए उसे कितनी ब्यूटी और बेहतरीन तरीके से समझाया, फरमाया कि मैं भी हालत जनाबत में होता हूँ और नमाज का वक्त हो जाता है और मैं रोज़ा रखता हूँ। तो बाज़ लोग कहते हैं ना जी, अरे नबी के साथ तुम क्या कर रहे हो भाई, उनके लिए अलग मसाइल है, कहाँ बराबरी कर रहे हो, देखिए शरीयत किस तरह समझा रही है। हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैं भी रखता हूँ और मैं भी क्या है हालत जनाबत में होता हूँ और मैं रोज़ा रखता हूँ उस वक्त। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारी तरह नहीं हैं, आपकी मिसाल आप कहाँ हम कहाँ, आपकी हैसियत तो कुछ और है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं और किन चीजों से बचना चाहिए इसके मुझे सबसे ज्यादा इल्म है, मुझे मालूम है कि इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है, मुझे अल्लाह का डर सबसे ज्यादा है, तो मैं रखता हूं तो तुम्हें क्या है। तो ये सही मुस्लिम की रिवायत है, हाँ हदीस नंबर 1110। और इसी तरह क्या है, गर्मी की शिद्दत प्यास की वजह से कुली करना या पानी सर पे डालना, याद रखिए गुस्ल कर लेना, इससे रोजे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत कर रहे हैं कि फरमाया कि लक़द रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अर्जी यसुब्बु अला रअसिहि अल्मा व हुवा सॉइमुन मिन अल अतशी औ मिन अल हर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि हालत रोजे के अंदर अल्लाह के रसूल प्यास या गर्मी की शिद्दत के सबब अपने सर मुबारक पर पानी उंडेल रहे थे। ये कर सकते हैं, नहा सकते हैं, और इस मामले में क्या है कोई कबाहत नहीं है। और इसी तरह मैंने बताया था ना कि बवक्त ज़रूरत खाने को चख लेना या मज़ा जानने के लिए, नमक वगैरह के जानने के लिए, इस मामले में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया इमाम बुखारी ने, इन्होंने फरमाया कि ला बस अयता तअम अल-क़द्र अभिशय, हांडी या किसी चीज़ से चख लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस मामले में इसी से हमको वो दलील मिलती है कि ब्रश और पेस्ट भी इस्तेमाल करने से रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी तरह खुशबू वगैरह का लगाना, इससे भी रोजे में कोई खलल नहीं होता, खा वो नाक के अंदर जाए या ना जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ नहीं होती। और इसी तरह भूलकर खाने पीने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। अब आइए वो चंद बातें जो मरीज के एतबार से हैं, कि मरीज की असल दो किस्में हैं। मरीज के लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन एक वो मरीज है जो दायमी है हमेशा, तो उसके लिए कैसे कफारा होगा? जो मरीज क्या है टेम्पररी है, रमजान में बीमार पड़ गया लेकिन अच्छा हो जाएगा, तो उसके लिए क्या है? तो पहली तो मरीज के एतबार से कुरान के अंदर जो आयत आई है फरमाया कि अय्याम मादूदा फमन काना मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्याम उखर। देखो ये चंद दिन हैं, इसके रोजे को क्या है एहतमाम के साथ रखा करो रमजान का, अगर कोई मरीज हो जाए तो वो गिनती दूसरे दिनों में पूरे कर ले, वो मरीज है जो सेहतयाब हो जाएगा फिर बाद में। लेकिन ऐसा मरीज है जिसके लिहाज से वो कभी अच्छा नहीं हो सकता, बूढ़ा है, दायमी मरीज है, तो इस हैसियत से उसके लिए क्या है फिदिया है। तो जो कफारा अदा कर सकता है वो टेम्पररी मरीज है, जो कफारा बिल्कुल अदा नहीं कर सकता बूढ़ा है वो दरअसल फिदिया देगा। और इस मामले में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वह अम्म शेखुल कबीर इदा लम युत्की सियाम فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر। फरमाया कि इसी तरह बूढ़े आदमी को अगर रोजे की ताकत ना हो तो वो भी खाना खिलाए, क्योंकि अनस बिन मालिक رضي الله عنه उम्र रसीदा होने के बाद एक या दो साल तक गोश रोटी की शक्ल में हर दिन के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाया था, रोजा नहीं रखा। इमाम बुखारी लाते हैं ये बात कि कहते हैं कि बूढ़ा जो दायमी है, जो मरीज से क्या है निकल नहीं सकता मर्ज से, ऐसे में वो दरअसल क्या है एक आदमी का खाना, एक मिस्कीन का खाना खिलाए। और इसमें दलील लाए हैं हजरत अनस इब्न मालिक के बारे में कि वो जब बुढ़ापे की मंजिल को पहुंचे तो उन्हीं भी क्या है एक दो साल ऐसे रहा वफात से पहले जहां पर उन्होंने रोजा नहीं रखा और ये
फिदिया देते थे, और फिदिया की शक्ल क्या थी कि गोश रोटी की शक्ल में दे दिया करते थे। खाने की मकदार के मुताबिक सही राय जो आई है वो है तकरीबन 1.5 किलो गल्ला, 1.5 किलो गल्ला दे दिया जाए, क्योंकि ये दरअसल लगभग वही लगता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ रिवायतों के सिलसिले में मरवी है कि काब इब्ने अजरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मिस्कीन का क्या सदका होता है, यानी कितने मिस्कीनों को खाना खिलाने के सिलसिले में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधे सा का हिसाब से 6 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में आई है बात, लेकिन इतना तो मालूम हो गया मिस्कीन का खाना क्या है, इस हैसियत से मालूम हो गया कि आधा सा तकरीबन क्या है 1.5 किलो होता है। तो इस हैसियत से अनाज 30 दिन का तकसीम कर दिया जाए, या नहीं तो खाना पका के हर दिन एक इंसान को दे दिया जाए, 2 वक्त की रोटी 2 वक्त का खाना दे दिया जाए, जैसा कि हजरत अनस से दिया करते थे। और इसी तरह मुसाफिर के लिए भी क्या है, रोजी की छूट है और वो बाद में उसको पूरा कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा कि जो बीमार हो और जो क्या है मुसाफिर हो इसके लिए रोजे की छूट है। इस सिलसिले में अम्र बिन उमैया वमरी से मरवी है, फरमाते हैं कि मैं सफर में था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में आया, आपको सलाम अर्ज किया, जब वापस होने लगा तो आपने फरमाया कि ए अबू उमैया ठहर के खाओ, हैं खाकर जाओ। तो मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल मैं रोजे से हूँ, यानी सफर में थे, तो अल्लाह के रसूल ने बुलाया कि उन्होंने कहा कि मैं रोजे से हूँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तआल أخبرك عن المسافر إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة। क्या मैं तुम्हें मुसाफिर के बारे में बतलाता हूँ, अल्लाह ताला ने मुसाफिर से रोजा और नमाज को आधा माफ कर दिया है। तो और इसी तरह हैज़ और निफास के लोगों के लिए भी क्या है, इस मामले में रोजा नहीं है, लेकिन अब इसकी सिलसिले में रज़ाअत का मसला है या हामिला है इसका क्या मसला होगा, तो याद रखिए ये भी मरीज के हुक्म में आएंगे, यानी जो हामिला है और जो मुर्दिया है, ये दोनों भी दरअसल असल में कहाँ आते हैं, मरीज ही के हुक्म में आते हैं। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अल्लाह अज़्ज़ा वजल वदा अनिल मुसाफिरी शतर सलाह व अनिल मुसाफिरी वल हामिली वल मुर्दिई अस्सौम अविस्सियाम। फरमाया कि अल्लाह ताला मुसाफिर से आधी नमाज और मुसाफिर हामिला और दूध पिलाने वाली औरत से रोजे को माफ कर दिया है। अब इस सिलसिले में अहले इल्म का इख्तिलाफ है कि दूध पिलाने वाली औरतें खजा करेंगी या इफ्तार के बदले, हाँ एक रोजे के बदले मिस्कीनों को खाना खिलाएंगी, हाँ इस बारे में इख्तिलाफ है। लेकिन जहां तक ये मामला सोचने का है तो याद रखिए ये एक टेम्पररी मरीज का ही है, अगर अच्छी हो जाएंगी और हमल हो जाएगा या दूध का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो रोज़ा रख सकती हैं, यही बेहतर है, यही अहले इल्म में बेहतर तर राजह तर कौल यही है कि ये लोग अच्छे होने के बाद रोज़ा रख लेंगे, लेकिन हामिला छोड़ सकती है रोज़ा हमल के दौरान, इसी तरह दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है रोज़ा उसके दौरान, और उसका कफ़ारे के तौर पर बाद में उसकी कज़ा दे सकती है। और इसमें एक कौल ये भी है कि कफ़ारा दे सकती है या खाना भी खिला सकती है, यानी फ़िदिया भी दे सकती है इंशाअल्लाह। इसके अलावा मैंने सोचा था कि इस एपिसोड में बात को ख़त्म कर दूं, लेकिन अब तरावीह के मसाइल हैं और नवाफिल के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह कल मैं इसके बारे में आपको तफसील बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।